तो रुक नहीं पा रहा हूँ। आज हम आए, अरे यार ये तो मेल आए ना यार, अरे सो कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आज हम आए चोली वर्क मिशन, देयर इज साधना मिसल, देयर इज वन ऑफ द फेमस फूड जॉइंट इन नासिक। सो चलिए ट्राई करते हैं और टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। चलो। साधना चूल्हा वर्ची मिसल इज सर्विंग सिंस 1959। यहाँ पे जो मिसल बनती है वो चूल्हे पे बनती है। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं ये इंडोर एम्बियंस है साधना मिसल का, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है एकदम पुराने टाइप का स्ट्रक्चर है। यहाँ के सिटिंग अरेंजमेंट भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, इन्होंने खाट रखा है बैठने के लिए। सो ओवरऑल ये जो एम्बियंस है एकदम विंटेज टाइप का है। हम लोग अभी ऑर्डर हम लोग ने दिया है साधना मिसल में और अभी हम लोग रुके हैं। लेट्स सी हाउ द टेस्ट इज। पे हमारे दोस्त आ गए, रोमित हाय हाय ओके, और ये है विद्या। तो फ्रेंड्स हम लोग मुंबई से हैं एंड इट टुक 4 आवर्स टू ड्राइव फ्रॉम मुंबई टू रीच साधना मिसल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं गर्मा गर्म मिसल आ चुकी है टेबल पे। टू बी ऑनेस्ट मैं तो रुक नहीं पा रहा हूँ खाने के लिए, तो हम सब आप खा के बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। गर्मा गर्म मिसल के साथ यहाँ पर आपको पापड़ और दही भी मिलती है। उसी के साथ हम लोग ने जलेबी भी ऑर्डर की है। वैसे करी दिखता है स्पाइसी बट है नहीं स्पाइसी। तो जो मिसल का फ्लेवर है बिकॉज ये चूल्हे में बना है, दैट इज अ रीजन इसका फ्लेवर बहुत एनहांस होके आ रहा है। गाइस मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगा कंपेयर टू अदर मिसल जो मैंने दूसरी जगहों पे खाया है। बहुत ओरिजिनल और रियलिस्टिक है इसका जो फ्लेवर है, एग्जैक्ट नासिक का रियल फ्लेवर लगता है। Guys, as I mentioned that I think it took 4 hours to reach here. So हम इतना दूर से आए तो definitely it was worth coming here to to have experience to taste very I could say authentic मिसल जो मिलता है नासिक में। तो खाने को बहुत अच्छा लग रहा है। मी महाराष्ट्र आहे तर मला माहिती मी वेगवेगळ्या ठिकाणी मिसळ खातो। एक नंबर आहे मिसळ, मस्त आहे, एक नंबर मिसळ आहे। त्याच्यासोबत पापड आणि त्याच्यासोबत जलेबी, याहून कॉम्बिनेशन आहे गाइस, तुम्ही ट्राय केलंच पाहिजे। सो फ्रेंड्स साधना मिसल काफ़ी गार्डेड था बट वी समाउ मैनेज टू शूट एंड उन्होंने डेफिनेटली अच्छे से खाया। सो गाइज व्हाट्स योर टेक ऑन इट? वेल द प्लेस वाज रियली फाइन एंड एक बार तो ट्राई करना चाहिए। एम्बियंस बहुत अच्छा है, आई मीन खाने से मुझे एम्बियंस बहुत अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट। यस एंड जस्ट बिकॉज वी ऑल फ्रेंड्स मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, so it has been a very good get together for all of us and absolutely also because of the rains barish ki wajah se thoda drive bhi acha tha, roads thode kharab hai but otherwise everything was good. Do visit this place guys, enjoy. So thank you very much for watching my video. Do like, share, subscribe for more videos. Yo yo yo.